क्यों डर लग रहा है मेरे बेबी को? लो आज इसका मूड फिर से खराब हो रहा है। कहाँ नहीं जाना? भगो भगो भगो, गुड गर्ल। हाँ हाँ चलो, गाड़ी बाहर नहीं निकाली पापा ने। बस साइड पर बैठो बैठो बैठो। अल्लाह हाफिज भाई जान, नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज तैयबा। जाओ जाओ मुस्तफा, एक आपने लेट किया हुआ मुस्तफा। चलो अल्लाह हाफिज, अंदर बैठो, अंदर बैठो। अरे मेरा मम्मी, नहीं नहीं जाओ। हाँ बाय बाय। और देखो कल पता है क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने फ्लावर लगाए थे ना, बच्चों ने किसी ने आकर ना तोड़ लिए। काफ़ी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे तो यहाँ साइड वाले तो लगे हुए हैं, यहाँ से किसी ने तोड़ लिए। थोड़ी सी वॉक भी कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हुआ हुआ है, जैसे पानी लगाया हो। जैसे जैसे मौसम ज़्यादा ठंडा होता जाएगा ना, तो ऐसे लगेगा जैसे पानी लगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है। ना कि कैसे तोड़ा है ना बच्चों ने, जैसे यहाँ से फ्लावर ऐसे निकाल लिया, अब यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी। तो अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से भी ऐसे तोड़ ना ले। कल मैंने आपको दिखाया था, इतना प्यारा लग रहा था, सारे फ्लावर निकाल दिए। देखो गेट खुले कैसे फौरन से भाग के आ रहा है, ये नोबी बहुत परेशान करता है। और ये रही हमारी चाय, बाकी सब सो रहे हैं। चाय मैंने अपनी पी ली है और भूख भी लग रही थी क्योंकि मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी। तो घर पे पड़ा था चिकन, थोड़ा सा चिकन मैंने ऐसा छोटा छोटा पीस किया और ऊपर मायनीज लगा लिए, और इस तरह से मज़ेदार हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। और उसके बाद हम गए बाहर, मुझे देखना था आयत के लिए फीडर, और फीडर से पहले मुझे बर्तन दिख गए। और मैं कब से चाय की पतीली की तलाश में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिली यहाँ पे, क्योंकि मुझे चाहिए थी स्टील में जैसे कि ये पड़ी है, लेकिन ये बहुत छोटी है, मुझे थोड़ा बड़ी चाहिए। जैसे हम डेली हमारे घर में चाय पकती है, और इसके अलावा घर पर नॉन स्टिक भी बहुत है उसका, तो अंदर से जो लेयर है ना वो भी ख़त्म हो गया, फिर भी अम्मी उसको यूज़ कर रही हैं। अम्मी कहती हैं बस यही चलाओ फिलहाल। तो अभी अम्मी के पास एक और मौका आगे का, जब नया घर बनेगा ना तो उसमें ये सारे बर्तन लेना, हर दफ़ा कुछ ना कुछ आ जाता है। तो अम्मी कहती है नए घर में शिफ्ट होंगे, अब कहती है नया घर बनेगा तो इस वजह से फिर हर एक चीज़ अब थोड़ा वो करा देती हैं। कुछ भी ख़रीदने लगो तो कहती है नए घर में नए घर में। अभी तो मैंने कहा अम्मी बनना नहीं शुरू हुआ। तो खैर वहाँ पर मुझे पतीली नहीं मिली, पता नहीं अब स्टील के बर्तन कहाँ पर मिलेंगे, देखना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे स्टोर में नहीं थे, एक पहले भी स्टोर में गई थी वहाँ पे भी नहीं थे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए था आयत का फीडर, कडल्स के फीडर इतने दिन से ढूंढ रही थी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ एक दो स्टोर पे देखा नहीं थे, शुक्र है कि यहाँ पे मिल गए। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो कराची की हैं वो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ की हैं ना वो वहाँ पर हमने नहीं देखी, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है। तो बस वाइप्स लिए, फीडर लिए, फीडर के लिए इतनी खुश थी कि शुक्र है कि मिल गया आयत का फीडर। उसके बाद मैंने लिए यहाँ पर ऑयल, अब मिक्स करूँगी सारे तो आपको दिखाऊँगी। ये बनेगा एक सीरम, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, जब मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल बनाया करती थी ना उस टाइम पे यूज़ किया करती थी, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। और बस पाँच छः मैंने वो ऑयल लिए, और उसके बाद मैंने नोबिता के लिए वो क्रीम लिया जो उसको बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं लाइट्स देख रही थी कि ये वाली देखो लाइट्स का पूरा एक वो रील थी, ये बहुत अच्छा रहता है। तो बस यही कुछ चीज़ें ली और फिर वापस खा रहा है। अम्मी इस पे ये ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा ब्लैक, है ना? अम्मा को ड्रेस तो दिखाओ अपनी, अम्मा कह रही बहुत प्यारी लग रही है। और तीनों जा रहे हैं ट्यूशन, पे गर्मी लगे ना तो फिर इसकी जैकेट निकाल देना। ये देखिए ऐसे ऐसे मारती है मुझे ऐसे, बस बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बन गई। आ जाओ आप तीनों, रोल है इसको, वैसे मैंने दूध दिया है, चलो अगर भूख लगी तो इसको रोल दे देना, अगर इसको ठंड वो गर्मी हो ना तो इसकी हाँ अपनी हाँ। चलो बच्चो अल्लाह हाफिज, बैठो आयत जल्दी से बैठो, आठो जल्दी से बैठो, बाय बाय। ठीक है बर्ड से तो चलो मुझे अलमारी से मिले ये दो सूट, अम्मी को दिखाती हूँ। ओ गया,
तो ये देखो, ये मैं दिखाने के लिए जा रही थी। बोल रहे आप हंसे हो ना, मुझे देख के हंस रहे थे ना। मैं ऊपर से इतना प्यार से कपड़े लेकर आ रही थी कि मैं मम्मी को सूट दूंगी। अलमारी से मुझे मिले कपड़े, क्योंकि आपको पता है कि शादी की तैयारियां चल रही हैं, और जहां से भी मुझे अनस्टिच सूट मिल रहा है कोई भी, तो मैं निकाल के लिया, क्योंकि ये मम्मी सिलवा ले, एक मैं सिलवा लूं। क्योंकि गर्म कपड़े देखो अब मिल रहे हैं, एक ये गर्म सूट है, और जैसी सीढ़ियों से आ रही थी वैसे ही नीचे गिरा और मैं इधर ही आकर बैठ गई। कब वॉक पे कब जाओगे? अपना टमी देख रहे हो, पेट अपना देखो। अभी जिम का पता करके आओ सुबह, इंशाल्लाह कब जब शादी शुरू होगी तब जिम पे जाएंगे। शादी से पहले सब अपना वजन कम करते हैं। महीने का 2000 लेते हैं। 2000 कराची से तो सस्ता। 10 दफा हाँ कराची से तो सस्ता है ये, वहाँ से तो बहुत ज्यादा सस्ता है। वहाँ पे मैं कितना देती थी, 10,000 ना, 15,000 एडमिशन, तो पता नहीं 10,000-12,000 महीना। ऐसे जिस दिन से हम आए ना, सारे काम हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो अम्मी देखो पढ़ रही है नमाज। अम्मी आप दुआ मांग रही थी, अल्लाह मियाँ ने आपके लिए ना गिफ्ट भेज दिए। अम्मी देखो सूट अलमारी से कपड़े निकाले हैं तोड़ने का। मैं तो बच्चों की खैरियत मांग रही हूँ। फातिमा के सर पे लगाई मैंने मेहंदी, इसीलिए मेरे हाथों को लग गई। हाँ फातिमा अभी से मेहंदी है। गाइस आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा ठंड में इसने ना भर के ना अम्मी ने इसको लाल मेहंदी लगा दी। अम्मी माथे पे भी कलर लग गया है। इसके बाल देखे सुबह ब्राउन ब्राउन होंगे, इतने अच्छे प्यारे लगे। हमें भी बचपन में अम्मी यही करती थी, मम्मी बहुत मेहंदी लगाती थी। और उसके बाद अम्मी पते क्या है, पार्लर में जाओ ना तो वहाँ पर आप कभी भी डाई करो कलर करो, आपके बालों में कलर नहीं होगा 5 साल तक, जो भी लाल मेहंदी लगाता है। बालों में ताकत आ जाती, जड़ों में मजबूती आ जाती। चलो शादी से पहले ना बालों में एक बहुत प्यारा कलर आ जाएगा। अम्मी ऐसा सेम सूट है ना मेरे पास, जो मैंने कुछ दिन पहले पहना था, आपने देखा नहीं था? ऐसा ही तो है मेरे पास ग्रीन सेम। एक और भी वैसा निकल के आ गया, ये शायद मुझे गिफ्ट मिला था या पता नहीं लिया था मुझे। मेरे ना सारे कपड़े होते हैं ना मेरे दिमाग से निकल जाते हैं, और कभी कभार काम वाम करने में ना तो कपड़े बाहर निकलते हैं, पता चलता है। कपड़े देखो और नहीं लो। हाँ कपड़े अम्मी ऐसा ही है ना मेरे पास जो मैंने सिलवाया, ऐसा है। तो मैंने कहा ये भी वैसा कलर हो जाएगा, ये वाला आप सिलवा लो और ये डार्क वाला मैं सिलवाती हूँ। शिफॉन है, वही दुपट्टा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने सोचा ये अम्मी सिलवाए और ये वाला ब्लू वाला मैं सिलवाती हूँ। ठीक है अम्मी। सोफे पे और भी थे अम्मी, उसमें लॉन के कुछ मोटे भी हैं, वो भी ले आओ। दुकान लगाते हैं, हाँ लगा रहे। किसने ये देखे, हाँ ऐसे बनेगा तो ये देखे। यहाँ पे कपड़ा नहीं अम्मी, ये तो ऐसे ही था जैसे आया है। ये है ब्लू कलर वाला, ऐसे लेके आती है घर पे पड़े हैं, मैंने कहा वो ही सिलवा लो। अम्मी ये मैंने नहीं लिया था, ये मुझे किसी ने शायद दिया था कराची में। मैंने कहा आपके पास मोटे कपड़े पड़े हैं, हमने रखे थे उधर वो बैगों में, फिर बैग में से अलग ही अम्मी अलमारी से निकले, ये अलग बैग से निकले। एक ये वाला निकला, ये तो है लॉन का, ये ताहिरा सिस्टर ने दिया है, ये भी मोटा है सर्दियों का है। और ये ताहिरा सिस्टर की बहन ने दिया था, ये भी मोटा। हाँ ये फायजा सिस्टर ने दिया, वो नीचे भी अम्मी लॉन का ही पड़ा है। और एक अम्मी ये वाला भी देखिए, कलर इसका भी प्यारा लग रहा है, अच्छा है ना, है भी खदर का। अम्मी ये मोटा ही आप सिलवा लीजिएगा, वहाँ सर्दियों में ना सिलवाए, मोटा मैं सिलवाऊंगी ना अम्मी, वहाँ सर्दी है ना, खदर की आप पहन। चलो अम्मी नमाज पढ़ रही थी, दुआ मांग रही थी, तो देखो इतने सारे अम्मी के कपड़े आ गए। कपड़ों के लिए कपड़ा भी मोटा है, प्रिंट भी अच्छा है। चलो अम्मी के लिए मुझे वैसे गर्म कपड़े लेने थे, तो आज हमने अलमारी खोली, पड़े हैं मोटे कपड़े, नहीं लो और। हाँ अम्मी ये वाला इसका मोटा दुपट्टा है, देखो अम्मी शॉल वाला है मोटा, अच्छा है ना। हाँ प्यारा है। चलो ये अम्मी का दूसरा जोड़ा हो गया, ये अम्मी का दूसरा जोड़ा हो गया, जो फातिमा की शादी पे जाएंगे वहां पे भी, और अम्मी यहाँ पे वहां से ज्यादा ठंड होगी। शादी के अलावा भी हम ऐसे मतलब कपड़े मोटे या घर के लिए भी सिलवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, कराची वाला के लॉन के कपड़े चलेंगे। यहाँ पे तो गांव से भी 2 गुना ज्यादा यहाँ ठंड आएगी। हाँ। बेबी के ये बाल किसने बनाए, इतने प्यारे लग रहे हैं आयत। गर्मी हो रही है, सारे कपड़े देखो निकाल रही है आयत। आपका हेयर स्टाइल तो बहुत प्यारा लग रहा है, बाल लग रही हो। पिंक बलून चाहिए नोबिता। अब देखो कैसे अच्छा बन के बैठा हुआ है, अब इसको नींद का टाइम होगा। जब इसको सोना होता है ना तो सुकून से आकर बैठता है, और ना ऐसी शरारतें करता है। नोबिता को भूख लगी है, आ जाओ नोबिता को देते हैं, खाता भी है या नहीं। तो देखो अंदर से कुछ इस तरह से, अब इसको खिला के देखते हैं, एक दो पीस डालते हैं। बुला बुला नोबी नोबी, फिर से बंद कर दिया है। चलो इसको बहुत ज्यादा शौक लगा, खा रहे खा रहे, इसको तो पसंद आ गया है, अच्छा है ना, इसको आदत होनी चाहिए।
कभी घर पे चिकन नहीं होते, हम सफर करते हैं, कहीं जाते हैं। ये खाने से ना इसके दांत मजबूत होंगे और सबको काटेगा। नोबी पसंद आ गया, नोबी नीचे। बस बस बस, ये पड़े, ये पड़े, ये देखो नोबिता के लिए। तो लपेट के रखा है, एक और सरप्राइज है, लेकिन ये फातिमा के लिए। तो ये देखो, ये इतना प्यारा सूट है मेरे पास, और है भी फिरोजी कलर का। उस दिन जो हम इसके लिए फ्रॉक लाए थे ना फातिमा, वो वाला फ्रॉक भी दिखाओ ना। तो ये मेरे पास पड़ा था, मैंने सोचा था कि ना मैं इसको शायद किसी फंक्शन पे बनवाऊंगी, लेकिन अब फातिमा की किस्मत में था ये। और देखो कलर कितना प्यारा है, बहुत प्यारा। ये और ये इस तरीके से ना पूरे चारों तरफ दुपट्टे पे ना ऐसा ये वाली लेस लगी हुई है। तो इसके साथ की स्लीव्स कितना प्यारा है ना, इसका फ्रॉक भी बनवाए तो बहुत ही है। फ्रॉक भी बन सकती है, लॉन्ग शर्ट बनवाए या लूज ऐसा फ्रॉक बनाना, नहीं तो फ्रॉक बनाना, फ्रॉक बनाओगी कमीज बनाओगी, फातिमा का कलर भी प्यारा है और इसका कलर बहुत प्यारा है। हाँ मैं शर्ट बहुत प्यारा, तो ये दे देना। कौन सा मैं? ये वाला। हाँ मैं टेलर को ये वाला भी साथ में देंगे। माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। अम्मी ये कलर भी ऐसे ना नई नई धुलने वाले कलर, जैसे नई नई धुलने होती है ना तो पहनती है। चलो जब भी पहनोगी फातिमा याद तो करोगी आपको और अम्मा को तो बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे और अम्मा को हमेशा याद रखना। अभी क्या करें, हम हो भी दूर गए ना। तो देखो ये वाला है, आप सब बताना ये वाला कैसा है। और फातिमा बहुत प्यारा है, और मुझे ऐसा लग रहा है एक एक करके ना हम फातिमा का पूरा जहेज यहाँ से बना कर जाएंगे। तो ये देखो हमने फातिमा से कहा है पहन के चेक करो। अम्मी माशाल्लाह कितना इस पर प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारी लग रही है सच में फातिमा। अभी जब तुम दुल्हन बनोगी ना तो पहनोगी, तब तो ये तुम पर बहुत ज्यादा सूट करेगा और निखार आएगा उस पर। ऐसे ना देख रहे थे ना, कब से ऐसे पता नहीं चल रहा था, पहने में ज्यादा प्यारा लग रहा है पूरा पूरा। अम्मी जैसे इसकी नाक पर, इसकी नाक पे सी गई, खुद भी शीशे में देख के कितनी प्यारी लग रही हूँ। देखो मैंने इधर अम्मी के रूम में बैठना है, अम्मी और बैग अपना खाली कर रही है, सारे कपड़े निकाल निकाल के मुझे दिखा रही। तो अभी अम्मी ने ना एक ये वाला सूट निकाला कि शादी पे ना ये पहनूंगी, जिसमें बहुत सारे सितारे मोती होंगे, चमकदार होगा। अम्मी आपने वो वाला पहनना, ये बहुत सादा है। हाँ ये भी अच्छा। अम्मी कोई रात के फंक्शन के लिए आप इसको पहन लें, भले जैसे ढोलकी का है। जितने मैं कहती हूँ कि मैं ये सिलवा लूँ, ये सिलवा। हाँ जो नहीं मैं लेके दूंगी। हाँ ये देखो अच्छे है, इससे अच्छे को और। अम्मी मैं आपको प्यारा सूट एक दिलाऊंगी, बस सब दिखाने का मतलब ये है अम्मी का, कि अम्मी चाहती है कि मैं अम्मी के लिए कोई शादी के लिए ड्रेस ना खरीदूं, लेकिन मैंने फिर भी खरीदना है। अम्मी जो है ना फातिमा की दादी है, तो अम्मी को सबसे प्यारा सूट पहनना चाहिए शादी पे, और खूबसूरत भी लगनी चाहिए। और फिर पता नहीं कब किस्मत हमें मौका दे, ये शादी के फंक्शन हम देखें। तैयब मुस्तफ़ा बहुत छोटे हैं, बाकी बच्चों के कब रिश्ते हों, कब हों, शादियों को ही पता नहीं है ना। शादियों के मौके तो कभी कभी आते हैं, तो उनमें अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने चाहिए। अम्मी को तो इस दफ़ा मैं बहुत प्यारा सजाने वाली हूँ, पता लगना चाहिए ना कि दुल्हन की दादी देखो कैसी प्यारी लग रही है। कैसे होती है ये? अच्छा। हाँ अम्मी बहुत अच्छे, सब अच्छा है, लेकिन मैं आपको दिलवाऊंगी प्यारा सा।